हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? ठीक हो? और अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे हो ना बेटा? आपकी बोर्ड की क्लासेस हैं, आपने जो भी वीडियोस आपके पास आ रही है उन्हें पूरा फुली देखिए और अपनी कॉपी में होमवर्क को नोट डाउन कीजिए और साथ साथ लर्न भी कीजिए। आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे कि जब स्कूल ओपन होंगे तभी हमारा काम कंप्लीट होगा। आपको जो भी वीडियोस भेजी जा रही है उन्हें आप समय से पूरा देखिए और अभी से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस मैंने आपको कंप्लीट करवाया था लास्ट वीडियो में। आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करवाने जा रही हूँ। ओके, आपने ये भी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखनी है और अपनी फेयर कॉपी में इन्हें नोट डाउन भी करना है प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे स्टूडेंट्स। जब वाक्य के अंत में, जब इस टेंस के वाक्यों की हिंदी की जाती है तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी की आवाज आती है। ओके, जैसे वह बाजार जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह सो रही होगी, तो इस तरीके से लास्ट के सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी की साउंड हमें सुनाई देता है। ओके, अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल आएगा, साथ प्लस में बी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में आपने देखा था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट था। इसमें सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ही आ गया सब्जेक्ट, विल आ गया और फिर बी आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ गया द प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर। आई शैल हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी द पुअर। अब आप यहाँ देखेंगे आई वी के साथ शैल का यूज होगा और जो उसके अलावा अदर्स नाउन एंड प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल का यूज होगा। आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। यहाँ हमने आई के साथ शैल का यूज किया, ही के साथ विल का, जो अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमने विल का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट, उसके बाद बी। विल और शैल के बाद जो बी था उनके बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम, ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। अब आप देखेंगे ही विल बी था तो ही के बाद विल और फिर यहाँ पर आ गया नॉट, ठीक है, उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाटरिंग द प्लांट। उसके बाद है आई शैल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। आई हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हेल्पिंग द पुअर। ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आप जैसे सभी जानते हैं, अब तो आप होशियार हो चुके होंगे इस मामले में। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो विल शैल स्टार्टिंग में आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, विल ही हो गया, विल बाहर आ गया, ही अंदर। Will he be watering the plant? Will he be watering the plant? क्या वह पौधों को पानी दे रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर देखिए आई शैल बी, तो शैल पहले आ जाएगा। शैल आई बी हेल्पिंग द पुअर, क्या वह गरीबों की मदद कर रहा होगा, क्या मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। कई बार प्रश्न नकारात्मक भी होते हैं, जैसे कि क्या मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, क्या मैं गरीबों की मदद नहीं कर रहा होगा। तो स्ट्रक्चर विल शैल प्लस सब्जेक्ट और वही सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट। विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखेंगे विल ही बी और ही के बीच में क्या आ गया, नॉट। विल ही नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, क्या वह को पानी नहीं दे रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शैल आई नॉट, शैल आई बी और उसके बीच में नॉट, शैल आई नॉट बी
हेल्पिंग द पुअर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये आपका आज हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फोर टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम धीरे धीरे अब टेंस कंप्लीट करने की तरफ आ रहे हैं। अब दो टेंस हमारे इसमें और बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद हमारा ये टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ग्रामर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी टेंस अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे होंगे टेंस की। ये छूटना नहीं चाहिए एक भी टाइप का आपका टेंस जो है, सारे टेंस आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अभी फिर नोटबुक में पूरा लिखना है। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।